हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड ईयर की एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी होने वाला है। यूनिट वन और टू में से आपको डिस्क्रिप्टिव 15-15 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जहाँ पर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के यूनिट वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फॉर्मूला बेस्ड जो वीडियो है वो आप पहले देख लें। तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक होगी, तो अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियोस देख लें, उसके बाद अगर आप ये सम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं 2.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी पूछे जाएंगे उन सम्स की। तो चार पांच सम्स हमारे पास हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं 2.5 मार्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा दे रखा है ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या दे रखा है हमको? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ AIR लिमिटेड कैलकुलेट सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, क्या पूछा है कि आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ब्रेक इवन सेल्स आपका 5 लाख है और आपकी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको रेकमेंड किया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल बना देना है। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कॉस्ट शीट का टेबल कैसा होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा मिलता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमको सेल्स दिया हुआ नहीं है, हमको फिक्स कॉस्ट दी हुई है और ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन सेल्स के हिसाब से कितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट आता है 0। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 2 लाख ही रहा होगा, और इसी बेस पे हम देखने जाए तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो माइनस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन मिलता है देट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ डेटा मिल गया, अब इसके बेस पे हम लोग पीवी रेशियो भी निकाल पाएंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है हमारा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 2 लाख, हमारा सेल्स है 5 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे हम और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको पीवी रेशियो मिल जाएगा 40%। ठीक है, अब हमको एक और चीज़ पूछी है कि भाई आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 1 लाख। तो यहाँ पे हम इसी टेबल में फॉर्मूला पुट कर देंगे। अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है और मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है 2 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे कमाना होगा 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख के कंट्रीब्यूशन पे मुझे कितना सेल करना पड़ेगा? तो भाई पीवी रेशियो हम लगा देंगे, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे पीवी रेशियो ऑलरेडी हमारे पास है तो 40 बाय 100, क्योंकि 40% होता है। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 3 लाख, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में 3 लाख रख दे रहा हूँ। और मेरा सेल्स कितना होगा मुझे जानना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो सेल्स आएगा वो आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे जो सेल्स करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 7,50,000 का। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और आपका आंसर आएगा 7.5 लाख। तो यहाँ पे आप 7.5 लाख रख दोगे और इसका जो 40% करोगे वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, मूविंग फर्दर, दूसरा क्वेश्चन जो आपको 2.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पढ़ते हैं इसको। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेंस टू प्लूटो लिमिटेड, एक्चुअल सेल्स इज 20 लाख, पीवी रेशियो इज 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज 60%। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछा है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको पहले वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले और फॉर्मूला वाले वीडियोस देख लेने हैं, सो देट आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको नहीं बताने वाला कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है और कौन से फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना है। तो आपको वो वीडियो अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, और अगर किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोज़ देख लेना, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना, सो देट आपको क्लैरिटी रहे, अदरवाइज आपको मालूम नहीं पड़ेगा किस तरीके से सम हो रहा है। अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसके बेस पे हमको 3 चीज़ें निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में, ब्रेक इवन पॉइंट
और फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला दे रखा है, आंसर दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमको दे रखा है 60, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ नहीं तो मुझे निकालना है, बट मुझे एक्चुअल सेल्स दे रखा है 20 लाख, तो मैं 20 लाख रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना आया, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आया 12 लाख, राइट। तो फर्स्ट आपका आंसर आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का अमाउंट है 12 लाख। दूसरा आपको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, बट यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो दूसरा हम तरीका लगा सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमने अभी निकाला 12 लाख, एक्चुअल सेल्स ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 20 लाख, और ब्रेक इवन सेल्स हमको चाहिए। हम ये 20 लाख को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 12 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स का 8 लाख। तो सेकेंड आंसर भी हमको मिल गया। तीसरा मुझे पूछा है फिक्स कॉस्ट, तो ये जो मैंने फॉर्मूला रखा था ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, यही फॉर्मूला अगर मैं लगा दूंगा तो मुझे फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी निकाला 8 लाख, तो ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए और पीवीआर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 40%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 3,20,000। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर एंड थर्ड आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है 2017 के एग्जाम में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमको निकालना है। हमको एक्चुअल सेल्स दे रखा है 18,75,000, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% एंड फिक्स कॉस्ट 3,75,000। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, हमको जानना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल सेल्स तो है बट ब्रेक इवन सेल्स नहीं है, तो हम पहले ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 3,75,000, बट हमारे पास पीवी रेशियो नहीं है। अब पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पीवी रेशियो निकलता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमको पीवी रेशियो मिलता है, बट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, तो हम पीवी रेशियो को निकालने का एक और तरीका है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये 75% इसको मैं 0.75 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा 25%। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3,75,000 डिवाइडेड बाई 25% करूँगा तो मुझे मेरा ब्रेक इवन सेल्स जो मिलेगा वो मिलेगा 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर के फॉर्मूला में हमको जो डेटा चाहिए था, एक्चुअल सेल्स तो मेरे पास अवेलेबल था 18,75,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स मैंने अभी निकाला 15 लाख, तो 15 लाख माइनस कर दूंगा तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो 3,75,000 आ रहा है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज में सारी की सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर ये चाहिए था। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो और क्या चीज़ हमको मिसिंग है, वो मिसिंग चीज़ आपको अलग अलग फॉर्मूलाज के बेस पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखो क्या पूछ रहे हैं हमको, विभूति लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपका सेल्स 1 लाख यूनिट का है 10 पर यूनिट, आपका वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट है, आपका फिक्स कॉस्ट टोटल है 2,25,000। आपको पूछा क्या है, कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू, ठीक है, दोनों तरीके से निकालना है। बट क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन वैल्यू इफ सेलिंग प्राइस फॉल्स टू 8 पर यूनिट।
तो देखो हमको अगर 8 रुपये सेलिंग प्राइस कर देंगे तो कितना ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो सबसे पहला हमको पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है। तो सबसे पहले जो डेटा है उसको हम लिख देते हैं, हमारा जो डेटा है उसका टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल बना रहे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये हमारा होता है। अब यदि आप यहाँ देखो मुझे 10 पर यूनिट दे रखा है तो 10 पर यूनिट लिख देता हूँ, और मेरी क्वांटिटी है 1 लाख, तो मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सेल्स हो जाएगा 10 लाख अमाउंट में। फिर मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 5 रुपये, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 रुपये, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 लाख से, तो यहाँ पर भी 5 लाख, और इसको माइनस करने पे मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन भी रुपीस में मिलेगा 5 लाख, और इसको फिक्स कॉस्ट माइनस करने पर मुझे 2,25,000 माइनस करने पर मुझे प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2,75,000। अब मुझे पूछा क्या है, सबसे पहला मुझे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपये, सेल्स है 10 रुपये, तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 50%। अगर ये 50% है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी ये अगर 50% है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो हमारा पीवी रेशियो जो होता है वो भी इतना ही हो जाएगा, 1 - VCR इज इक्वल टू 1 - 0.5 करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो भी आएगा 50%। ठीक है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो हमको पूछा है उसका आंसर है 50%, और पीवी रेशियो भी हमारा 50% हो जाएगा। दूसरा मुझे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, तो ये सेकेंड क्वेश्चन जो हमको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 2,25,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमने निकाला 5 रुपीज, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आने वाला है 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आएगा 45,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरा ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो आता है 45,000 यूनिट। अब यहाँ पे हमको एक वेरिएशन पूछा है, क्या पूछा है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कितना होगा अगर आपकी सेलिंग प्राइस 8 रुपये हो जाए। तो जो 10 रुपये सेलिंग प्राइस है उसको घटा के आपको 8 रुपये करने को बोल रहे हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो फिर से मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना वाला निकाल देता हूँ, सेल्स हो जाएगा 8 रुपये माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 5 रुपये रहने वाला है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा 3 रुपये। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं क्वांटिटी में, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं बोला है हमें, 2,25,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो पहले 5 था अब वो हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्वांटिटी में 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा क्वांटिटी हो जाएगा 75,000 यूनिट्स। बट मुझे जो क्वेश्चन पूछा है हमको वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, सिंपल 75,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8 रुपये, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ₹6 लाख। तो जो आपका आंसर आपको पूछा जा रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा अगर आप सेलिंग प्राइस को 3 रुपये से घटा दोगे, मतलब 8 रुपये कर दोगे, तो हमारा आंसर आएगा 6 लाख। तो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, हमारा मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, 2.5 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा 5 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी रहेगी। मूविंग फर्दर, 2019 के एग्जाम में आपको पूछा गया है क्वेश्चन, 2 साल के कंपेरेटिव फिगर वाला है। यहाँ पे द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। 2017-18 आपका सेल्स 5 लाख था, 10 लाख हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे 50,000 का लॉस था, यहाँ पे 1.5 लाख का हो गया हमारा प्रॉफिट। कैलकुलेट PVR कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट BEP MSS फॉर 2018। अब 2018 के लिए हमको डेटा पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो टेबल है वो बना देते हैं, दोनों साल का बना देंगे। सेल्स हमारा सेल्स इधर 17 और 18 दोनों का लिख देंगे हम। हमारा सेल्स जो था 5 लाख था, फिर 10 लाख हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम नहीं है अभी, हमें फिक्स कॉस्ट जो है वो भी मालूम नहीं है, कंट्रीब्यूशन आएगा उसके में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, बट जो प्रॉफिट आया वो हमें मालूम है। यहाँ पे हमारा आया था 50,000 का लॉस और यहाँ पे हमारा आया था 1.5 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है मालूम नहीं, तो हम फिक्स कॉस्ट भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुझे पूछा है पीवी रेशियो, तो भाई पीवी रेशियो कैसे निकलता है,
जब भी हमको 2 सालों का डेटा दिया है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट है ना, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है जब हम 2 साल के डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब चेंज इन प्रॉफिट की बात करें तो मेरा प्रॉफिट -50,000 था जो बढ़ के 1.5 लाख हो गया, तो हमारा चेंज कितना हुआ, तो भाई 1.5 लाख -50,000 माइनस का डिवाइडेड बाय आपका सेल्स था 10 लैक्स -5 लैक्स, तो 10 लैक्स -5 लैक करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपका 1.5 लाख में से माइनस का 50,000 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लैक्स -5 लैक करोगे तो 5 लैक आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रीवी रेशियो कितना हो गया, 40%। तो फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। अब दूसरा मुझे पूछा है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो भाई सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो है ना। तो यह देखो यहाँ हमको सेल्स दे रखा है, इसको अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आया फॉर 2017। एंड ये 18 की बात करें तो मेरा सेल्स से है 10 लाख, और उसका 40% अगर मैं करूँगा तो मेरा आएगा 4 लाख, और ये मैं यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, 2 लाख यहाँ पे आया आंसर और यहाँ पे आया 4 लाख। अकॉर्डिंगली मेरा वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख हो जाएगा और यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे 4 लाख में से अगर 1.5 लाख मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे फिक्स कॉस्ट कितना माइनस किया होगा, मैं बैलेंसिंग फिगर अगर करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2.5 लाख, और सेम वे यहाँ पे भी अगर मैं 2.5 लाख माइनस कर रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव आ गया 50,000। तो थर्ड चीज़ मुझे जो पूछी है वो पूछी है ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है। फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली 2.5 लाख, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमने निकाला 40%, तो हमारा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40% करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 6,25,000 आएगा। मतलब 6,25,000 के सेल्स पे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हमको लास्ट चीज़ जो पूछिए वो पूछिए MSS। MSS का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। हमारा एक्चुअल सेल्स 10 लाख रुपये, हमारा ब्रेक इवन सेल्स 6,25,000, तो एक्चुअल सेल्स 10 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स अभी निकाला हमने 6,25,000, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना आया, 3,75,000। तो हमारे जितने भी आंसर हमको पूछे थे, फर्स्ट मुझे पूछा था पीवी रेशियो, मुझे दूसरा पूछा था मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, सॉरी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैंने निकाल दिया 4 लाख। तीसरा चीज़ मुझे पूछी फिक्स कॉस्ट कितनी, तो मैंने 2.5 लाख निकाल दी। चौथा मुझे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, मैंने निकाल दिया। और लास्ट मुझे पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो 3,75,000 मैंने निकाल दिया। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5 आंसर निकालें, तो ये शायद आपको 5 नंबर से 6 नंबर के बीच आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो लेटेस्ट एग्जाम जो आपकी लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुई थी उसमें आपको ये पूछा गया था। मूविंग फर्दर, 2017 के एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आपको पूछा गया है। कृषिव लिमिटेड प्रेजेंटली सेलिंग इट गुड्स एट 80 पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस 80 पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेम इज 50 पर यूनिट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 1.5 लाख, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पी वी आर, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड यूनिट्स, ठीक है। तो हमको 3 चीज़ें पहले पूछी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ़ द ब्रेक इवन सेल्स इज ब्रॉड डाउन टू 3,750। मतलब सिंपल आपको पूछा है कि आपका अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको 3,750 यूनिट्स करना है तो आपको सेलिंग प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसके बेस पर हम लोग टेबल बना देते हैं। हमको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो सेल्स कितना है 80 पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही सेम होता है 50 रुपये, 30 रुपये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, और हमको माइनस फिक्स कॉस्ट की बोल रहे हैं, अल्टीमेटली मिलता है प्रॉफिट कितना है, हमको फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पी वी आर, तो सबसे पहले पी वी आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी आर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन है 30 रुपये, सेल्स से 80 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आपको 30 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो आपको 37.5% जो मिलेगा
पीवी रेशियो मिलेगा 37.5। दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछा है कि बीईपी कितना होगा। अब बीईपी दोनों ही पूछा है, बीईपी क्वांटिटी में भी और बीईपी वैल्यू में भी। तो बीईपी क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपये और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 30 रुपीज़। तो मेरा क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट आया 1,50,000 डिवाइड बाई 30। 5,000 यूनिट मुझे बनाने पड़ेंगे अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। और वहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें वैल्यू के टर्म्स में, उसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपये और पीवी रेशियो है 37.5%। अभी हमने निकाला तो 1,50,000 डिवाइड बाई 37.5% करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का जो वैल्यू है वो आएगा 4 लाख रुपये। ठीक है, तो हमारे 3 आंसर जो हमको बेसिक पूछे थे हमने निकाल दिए। अब मुझे थोड़ा वेरिएशन पूछा है। वेरिएशन में मुझे क्या बोला कि भाई आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा प्राइस, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपको 3750 लाना है। अभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 5000, ठीक है, आपको 3750 लाना है। तो भाई यही फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट आपको चाहिए तो आपका फॉर्मूला लगता है ये वाला। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए कितना, 3750। आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है 1.5 लाख, सिर्फ आपका चेंज क्या होना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना चाहिए अगर मुझे 3750 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 3750 करूँगा तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए 40 रुपये। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे चाहिए 40 रुपये तो मुझे सेल्स कितना चाहिए, सेल्स का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है बट मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50, क्योंकि वो तो चेंज होगी नहीं। तो ये 50 को इधर लाएंगे तो मेरा सेल्स जो है मुझे चाहिए कितना, 40 + 50 90 रुपीज़ का मेरा सेलिंग प्राइस अगर होगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हो जाएगा 3750 क्वांटिटी में हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको एक बार फिर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी ख़त्म हो गया बट आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स ये क्वेश्चन दिला सकता है। राइट, मूविंग फर्दर, अब थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू अ की मिड सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय जेन लिमिटेड। सेल्स 25,000 यूनिट्स, 150 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 90 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 1,200,000। अब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा परसेंटेज टर्म्स में, और चौथा पूछा है सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, मतलब 6 लाख का अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपका कितना सेल्स होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में अगर आपकी सेलिंग प्राइस आप 20% से डिक्रीज कर देते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेबल बना देंगे हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स प्राइस है मेरा 150 पर यूनिट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 90, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 60 और मेरी फिक्स कॉस्ट है 1,200,000। ठीक है, अब आगे मुझे सबसे पहला पूछा है पीवी रेशियो, तो पहला मैं पीवी रेशियो निकाल देता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 60, मेरा सेल्स है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूँगा तो 60 by 150 multiplied by 100 माई पीवी रेशियो इज 40%। पहला आंसर आ गया। दूसरा मुझे पूछा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मुझे 12 लाख रुपये दे के रखा है और मेरा पीवी रेशियो है 40%, तो 1,200,000 डिवाइडेड बाय 40% करूँगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कितना आया, 30 लैक्स। तीसरा मुझे पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज कितना है, तो भाई सबसे पहले परसेंटेज निकालने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है कितना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स मुझे दे रखा है कितना, 150 × 25,000 यूनिट्स में बेच रहा हूँ तो 150 × 25,000 मेरा सेल्स जो अभी एक्चुअल है वो कितना है, 37,50,000। तो एक्चुअल सेल्स 37,50,000।
ब्रेक इवन सेल्स अभी निकाला 30 लैक्स, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना आया, 37 लैक्स माइनस 30 लैक्स, 7,50,000 का मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आया। अब मुझे चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का परसेंटेज, तो कैसे निकलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 7,50,000 है और मेरा एक्चुअल सेल्स है 37,50,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 20%। तो मेरा आंसर मिल गया ये थर्ड का। अब चौथा जो मुझे पूछा है, क्या बोल रहे हैं, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 6 लैक्स। अगर आपको 6 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो भाई आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो देखो समझो एक बार, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। मुझे प्रॉफिट कमाना है कितना, 6 लाख का। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है, 12 लाख। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए अगर मैं 6 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो ये 12 लाख को इधर ले जाऊँगा तो 6 लैक्स प्लस 12 लैक, मुझे 18 लैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा अगर मेरा प्रॉफिट मुझे 6 लाख चाहिए तो। अब कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता कैसे है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे 18 लैक्स चाहिए और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो मुझे क्वांटिटी कितनी बेचनी पड़ेगी, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो मुझे 3 लैक, सॉरी मुझे 30,000 क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है कितना, 18 लैक्स इफ आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लैक्स। अब कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता कैसे है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, मुझे 18 लैक्स चाहिए और हर यूनिट मुझे कमा के देता है 60 रुपीज, और कितनी क्वांटिटी मुझे बेचनी पड़ेगी, तो ये 60 को इधर ले जाएंगे तो क्वांटिटी जो आएगा मेरा आएगा 30,000 क्वांटिटी, और इसको मैं सेलिंग प्राइस 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लैक्स। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 150 करूंगा तो सेल्स मुझे करना पड़ेगा 45 लैक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे का मिल गया, तीसरे का मिल गया, चौथे का भी मिल गया। अब मुझे जो पाँचवा पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो जो आपकी सेलिंग प्राइस अभी है 150, उसको आपको घटाना है, उसको आपको कितना घटाना है, आपको 20% से घटाना है और तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो मेरी सेलिंग प्राइस 150 है, उसको 20% अगर रिड्यूस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 120। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरा कितना रहने वाला है, सेम रहने वाला है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़, तो 90 माइनस करूँगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 30 रुपीज़। अब मुझे क्या पूछा है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग हमारा न्यू पीवी रेशियो गिन लेते हैं, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। मेरा कंट्रीब्यूशन 30 हो गया और मेरा सेल्स प्राइस 120 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो कितना आएगा, 30 बाय 120 इनटू 100। मेरा पीवी रेशियो जो है नया 25%, और सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में हम रख देंगे फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा, 12 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 25%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 25%। तो मुझे 48 लाख का सेल्स करना पड़ेगा
और वहीं पे अगर मैं इसको क्वांटिटी में चाहता हूँ तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, 48 लाख का सेल्स मुझे करना है और हर एक यूनिट का वैल्यू है 120, तो मेरा आंसर निकल जाएगा 48 लाख डिवाइड बाई 120, मुझे 40,000 क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी इफ़ आई वॉन्ट टू रिड्यूस द प्राइस बाई 20% और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मेंटेन होना चाहिए। तो मेरा आंसर है 40,000 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 5 मार्क्स का। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 25,000, अदर वेरिएबल ओवरहेड 15,000, फिक्स ओवरहेड 40,000। ठीक है, द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 1.5 लाख, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 50,000 कंपनी प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट वाई, द एस्टिमेट्स द कॉस्ट इन द कनेक्शन हियर विथ एज फॉलोस। तो आपका वाई जो प्रोडक्ट है उसको आपको बेचना है और आपका सेल्स 1,50,000 है और जो हो जाएगा 50,000 इंक्रीज, मतलब आपका जो वाई है उसका सेल्स कितना होने वाला है 50,000। सिंपल, अभी आपका सेल्स है 1,50,000 और आपको सेल्स को बढ़ाना है 50,000 से, तो आप क्या कर रहे हो, आप वाई इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसका सेल्स होगा 50,000 और जिसमें लगने वाली कॉस्ट जो होगी डायरेक्ट मटेरियल 25,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, अदर वेरिएबल ओवरहेड 6,000। इट इज अज्यूम दैट द कंपनी हैज एन आइडल कैपेसिटी एंड फिक्स ओवरहेड डू नॉट इंक्रीज। ठीक है, तो आपके फिक्स खर्चे बढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एडवाइज वेदर प्रोडक्ट वाई विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो देखो सिंपल, अभी हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो भाई सेल्स जो है मेरा एक्स का वो कितना था, 1.5 लाख। उसके सामने मेरे वेरिएबल खर्चे क्या क्या हो रहे थे, मटेरियल का खर्चा कितना 50,000, मेरा डायरेक्ट लेबर का खर्चा हो रहा था 25,000 और मेरा वेरिएबल ओवरहेड जो हो रहा था 15,000 का हो रहा था। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 1,50,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 15,000, मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा था 60,000 और मेरा फिक्स कॉस्ट जो था वो था 40,000। तो मेरा करंट जो प्रॉफिट है वो है 25, मेरा जो करंट प्रॉफिट है वो है 20,000 बाय सेल्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम वाई को ऐड करना चाहते हैं, तो देखो वाई का हमको कितना सेल्स बढ़ेगा, तो वाई का मेरा सेल्स होने वाला है 50,000, जिसके सामने मुझे खर्चा क्या क्या लगने वाला है, 25,000 का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, लेबर का 20,000 का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड का 6,000 का खर्चा। ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 50,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया नेगेटिव 1,000। और क्या बोला, आइडल कैपेसिटी है इसलिए मेरा कोई भी फिक्स कॉस्ट में एडिशन नहीं हो रहा, तो भाई मेरा लॉस आ रहा है 1,000 का। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स जो था प्लस मेरा वाई, टोटल मिला के मेरा जो नेट नेट प्रॉफिट है वो पहले 20,000 था, अब ये 20 प्लस माइनस 1,000 तो 19,000 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है भाई, वाई जो है मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, कंट्रीब्यूशन लेवल पे ही वो मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो मुझे वाई करना चाहिए क्या, नहीं, वाई प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट 20,000 से घट के 19,000 हो जा रहा है, तो वाई को करने से हमको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। एक्स का 20,000, वाई का लॉस 1,000, नेट नेट 19,000। तो वी एडवाइज दैट वाई प्रोडक्ट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, हमको एक्स से ही काम चला लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जो आपको 2018 में पूछा गया है, पढ़ते हैं इसको। दर्श लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स 2016-2017। आपका सेल्स दे रखा है 6 लाख, 7,20,000, वेरिएबल एक्सपेंस 3 लाख एंड 4,32,000, प्रॉफिट आपको 1,20,000 हो रहा था 2016 में और 2017 में हो गया 48,000। कैलकुलेट फॉर बोथ ईयर्स पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आपको दोनों सालों का पूछा है, इसीलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे कुछ डेटा है नहीं, तो सबसे पहले हमारा टेबल बना देते हैं हम। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा सेल्स था 2016 के लिए और 17 के लिए लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारा सेल्स था 6 लाख यहाँ पे और यहाँ पे था 7,20,000। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 3 लाख, यहाँ पे था 4,32,000
तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 6 लैक्स माइनस 3 लैक्स, 3 लैक का वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा था, और प्रॉफिट मुझे दे रखा है 1,20,000। तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, 3 लैक माइनस 1,20,000, तो मेरा फिक्स कॉस्ट आया 1,80,000। सेम वे में हम यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है 48,000, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन से जाएंगे तो 48,000 और ये 7,20,000 का सेल्स माइनस 4,32,000 का वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया जो है 2,88,000 माइनस 48,000 करूँगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 2,40,000। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सबसे पहले 2016 की बात करें तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और मेरा सेल्स है 6 लैक्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो 50% आएगा। 2017 की बात करें तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 2,88,000, सेल्स है 720, तो 288 डिवाइड बाय 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2,88,000 डिवाइड बाय 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा पीवी रेशियो आया 40%। तो मैंने दोनों सालों का पीवी रेशियो निकाल दिया। दूसरा मुझे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, तो भाई पहले साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट 2016 की बात करें तो मेरा फिक्स कॉस्ट है 180, पीवी रेशियो है 50%, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 50% करेंगे तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 3,60,000। सेम वे 2017 की बात करें तो मेरा फिक्स कॉस्ट है 2,40,000, पीवी रेशियो है 40%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाय 40% 6 लैक्स, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया। तीसरा मुझे पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, MSS इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स मुझे दे रखा है 6 लैक्स, यहाँ पे 7,20,000 माइनस, अभी मैंने ब्रेक इवन सेल्स निकाला 2017 के लिए, मैंने निकाला सॉरी 16 के निकाला 3,60,000 और यहाँ पे निकाला 6 लैक्स, तो मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे निकलेगा मेरा 2,40,000 और यहाँ पे निकलेगा 1,20,000। तो इस तरीके से मैंने तीनों ही आंसर मैंने निकाल दिए, पीवी रेशियो फॉर बोथ द ईयर्स, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ द ईयर्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स फॉर बोथ द ईयर्स। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से कर लेना है। चलिए तो अब थोड़े लंबे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 2018 की एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है पढ़ते हैं इसको। द मैनेजमेंट ऑफ द स्मार्ट बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज थिंकिंग वेदर इट शुड ड्रॉप वन आइटम फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन एंड रिप्लेस इट विद अनदर। क्या बोल रहे हैं, मतलब ये 3-4 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो या फिर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो चला रहे होंगे और ये सोच रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दे और उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट लेके आए। गिवन बिलो आर प्रेजेंट कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा। तो भाई अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कितने बना रहे हैं, Q2, Q3 दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जो टोटल है उसका परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट Q का है 80% और Q3 का है 20%। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है तो 80 इज गोइंग टूवर्ड्स Q2 एंड 20% इज गोइंग टूवर्ड्स Q3। और वहीं पे परसेंट ऑफ सेल्स की बात करें तो ये है 70%, 30%। अब जो टोटल है उसका हमको ये कर देंगे तो हमको ब्रेकअप मिल जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 5 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 लैक्स है, तो भैया 10 लैक्स को डिवाइड करेंगे ऐसे, और टोटल सेल्स जो है वो 18 लैक्स दे रखा है, तो ये 70 और 30 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, द चेंज अंडर कंसिडरेशन, जो चेंज करना चाहते हैं वो क्या है, ड्रॉपिंग द लाइन ऑफ Q3, जो Q3 है वो उसको बंद करना चाहते हैं एंड एडिंग द लाइन ऑफ Q4, तो नया प्रोडक्ट Q4 बनाना चाहते हैं। इफ चेंज विल बी मेड द मैन्युफैक्चरर फोरकास्ट फॉलोइंग कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा, तो भाई चेंज के साथ Q2 बंद हो जाएगा, Q4 चालू हो जाएगा, तो Q3 बंद हो जाएगा, Q4 चालू हो जाएगा, तो Q2 और Q4 सेम ऊपर जैसे दे रखा था, वेरिएबल कॉस्ट 65, 35, सेल्स 60, 40, टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख, तो भाई यहाँ भी 5 लाख था, यहाँ भी 5 लाख था। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 11,50,000 हो जाएगा जो 10 लाख था, टोटल सेल्स जो है वो आपका 20 लाख हो जाएगा जो आपका 18 लाख था।
शुड द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड? तो भाई यहाँ पे हमको प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, हम कैसे जानेंगे? तो भाई क्या करेंगे, हम पहले कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे या पहले कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे थे वो निकाल लेंगे, और इस लाइन को डिडक्ट करके नया लाइन को ऐड करने के से कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है वो हम निकाल देंगे। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई सबसे पहले हमारा एग्जिस्टिंग जो था वो कितना था, तो भाई एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना देते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट है Q2 एंड Q3, और यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, भाई मेरा सेल्स टोटल कितना था, 18 लैक्स का था, तो यहाँ पे मैं 18 लैक लिख रहा हूँ। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 10 लैक्स, तो माइनस 10 लैक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा था पहले, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा था 8 लैक्स, और मेरा फिक्स कॉस्ट जो था वो था 5 लाख, मतलब मैं 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। इनके अंदर की बात करें तो भाई 18 का जो सेल्स है वो 70% था, तो 18 लैक्स का Q2 का 70% 12,60,000, ठीक है। और बाकी का जो था वो था 18 लैक्स 5,40,000। सेम वे हम वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज भी करेंगे, तो 10 लैक्स का 80% मतलब 8 लाख Q2 का हो रहा था और 2 लाख हो रहा था Q3 का। 12,60,000 माइनस 8 लैक करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आया 4,60,000, और 5,40 माइनस 2 लैक्स करेंगे तो 3,40,000 आएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो हम यहीं से चलेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था एग्जिस्टिंग, 3 लैक्स। अब जो एक्सेप्टेंस के लिए नया प्रपोजल आया उसकी बात करें, तो भाई प्रपोज्ड का हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना देते हैं। Q2 और Q4 आएगा और टोटल आएगा, सेल्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 लैक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 11,50,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट जो है 5 लाख, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 3,50,000, ठीक है। अब अंदर के सेल्स को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल हमारा जो पिछली बार का जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन था उसमें 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, बट जो प्रॉफिट इंक्रीज होके 350 हो गया, तो भाई मुझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भाई इस प्रपोजल की वजह से मेरा जो प्रॉफिट 3 लाख था वो 3.5 लाख हो गया, मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आई शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, डिसकंटिन्यू Q3 एंड स्टार्ट न्यू लाइन ऑफ Q4। आगे बढ़ते हैं, 2017 के एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, उसको समझते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स MI एंड YO फ्रॉम सर्टेन कॉमन मटेरियल। तो ठीक है, तो इनका कॉमन मटेरियल से MI और YO बन रहा था, लेबर भी सेम था और सेम टाइप ऑफ मशीन से बना रहे थे। प्रोडक्ट MI YO, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट आप बना सकते हो MI के, YO के बना सकते हो 800। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लग रहा था 240, यहाँ पे लग रहा था 90, और ब्रैकेट में हमको दे रखा है ये 30 पर केजी, मतलब फॉर एग्जांपल 240 का अगर कॉस्ट लग रहा है तो 30 पर केजी के हिसाब से यहाँ पे कितना मटेरियल लग रहा होगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो मेरा 8 kgs ऑफ मटेरियल यूज़ हो रहा है MI के लिए। सेम वे हम 90 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे तो मेरा 3 kg मटेरियल यूज़ रहा है फॉर YO। बोल रहे हैं लेबर कॉस्ट कितना है, 220 पर आवर का है, 20 रुपीज़, तो यहाँ पे 11 रुपये आ रहा है पर आवर, यहाँ पे 11 रुपये आ रहा है फॉर MI, मतलब 11 आवर आ रहे हैं। सेकेंड हमको दे रखा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट 220 और 140, लेबर का रेट क्या है 20 पर आवर, तो भाई 220 रुपीज़ कैसे हो रहा होगा, तो 220 डिवाइडेड बाई 20 रुपीज़ पर आवर, तो मेरे 11 घंटे यूज़ हो रहे होंगे MI के लिए। और सेम वे 140 डिवाइडेड बाई 20, 7 आवर्स विल बी यूज फॉर YO। अदर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 160, 120, सेलिंग प्राइस दे रखा है 820 और 800। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हमको कुछ भी देखना नहीं है।
डायरेक्ट मटेरियल विच इज़ अ की फैक्टर इज लिमिटेड टू 5000 केजीज। अब यहाँ पे है क्या कि दोनों सेम मटेरियल से बना रहे हैं, बट जो मटेरियल अवेलेबल है वो कितना है, सिर्फ 5000 केजीज अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक एंड एडवाइज फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मिक्स। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो मटेरियल है वो 5000 केजीज है और आपको MI और YO ऐसे कॉम्बिनेशन में बनाना है जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे दोनों का, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और कौन से कॉम्बिनेशन में हमको सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है वो निकालेंगे। और हमारा की फैक्टर क्या है, मटेरियल। तो हमको सोचना क्या है कि भाई मेरे पास मटेरियल 5000 केजीज है, तो मैं हर केजी मटेरियल पे जितना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा मिल रहा होगा वही बनाऊंगा। मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि कंट्रीब्यूशन पर केजी जिस प्रोडक्ट में हाईएस्ट मिल रहा होगा वही प्रोडक्ट मुझे हाईएस्ट बनाना है। अब यहाँ पे ये भी लिमिटेशन है कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी यूज़ कर पाओगे, तो भाई मैक्सिमम कैपेसिटी भी है आपके पास, वो भी लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट कैसे बनता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास MI और YO दो प्रोडक्ट है। MI का सेल्स प्राइस है 820, YO का है 500। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटेरियल 240 रुपीज़ का, यहाँ पे 90 रुपीज़ का। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो ये 220 रुपीज़, ये है 140 रुपीज़। और वेरिएबल ओ कॉस्ट दूसरी वाली जो है अदर, वो है 160 एंड 120। और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो हम माइनस करेंगे, हमारा निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो देखो कंट्रीब्यूशन फॉर MI कितना निकला है, 200 रुपीज़ पर यूनिट। और YO का निकला है 500 माइनस 90 माइनस 140 माइनस 120। YO मुझे कंट्रीब्यूशन देता है 150 पर यूनिट। अब यहाँ पे मेरे पास जो की फैक्टर है वो है मटेरियल। अब यहाँ पे दोनों में मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, तो मैंने निकाल दिया था ऑलरेडी, MI के लिए 8 केजी यूज़ हो रहा है, तो मटेरियल जो है मेरा 8 केजी यहाँ पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे यूज़ हो रहा है 3 केजीस। अब मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकाल देता हूँ। भाई मैं 200 रुपये कमाता हूँ जिसमें मुझे 8 किलो मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, और मैं YO के अंदर 150 रुपये कमाता हूँ जिसके अंदर मुझे 3 किलो मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकला 25 पर केजी इन MI एंड 50 पर केजी इन YO। मतलब मुझे YO जो है वो हर किलो पे ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, तो इसकी रैंकिंग हो गई 1, इसकी रैंकिंग हो गई 2, ठीक है। तो हमने रैंक निकाल दी। अब हमको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, तो भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाऊँ, तो भाई सबसे पहले जो मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर केजी उसको मैक्सिमम बना दूंगा। तो भाई रैंकिंग के हिसाब से रैंक 1 और रैंक 2, रैंक 1 है जो हमारी YO। अब YO में मैक्सिमम कितना बना पाऊँगा, 800, ठीक है। तो 800 के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, तो 3 केजीज पर मटेरियल चाहिए, पर यूनिट चाहिए। तो 2400 मुझे चाहिए MI के लिए, सॉरी YO के लिए। और जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है 5000 केजीज में से 2400 माइनस कर दूंगा, तो बचा 2600 जो मैं यूज़ कर लूँगा किसके लिए, MI बनाने के लिए। MI के लिए पर केजी चाहिए, MI के लिए पर यूनिट चाहिए 8 केजीज, तो 2600 डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, तो 26 डिवाइड बाय 8 मैं बना पाऊंगा 325 यूनिट्स ऑफ MI और 2400 यूनिट्स ऑफ YO। अब यहाँ पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात करें तो वो बना देते हम। अब यहाँ पे हमारा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स जो आया है वो आया है 3 MI के और YO के। YO के आपको बनाने हैं 800 यूनिट्स और MI के बनाने हैं 325 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले MI और YO की क्वांटिटी ले लेते हैं। तो क्वांटिटी में बनाऊंगा MI की 325 और YO की बनाऊंगा 800, मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से। तो भाई यहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा था 200, यहाँ पे मुझे मिल रहा था 150, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ रहा था वो मिल जाएगा मुझे 325 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 65000 मुझे मिलेगा MI से। और 800 मल्टीप्लाई बाय 150 मुझे मिलेगा 120000 YO से। तो दोनों का टोटल कर लूँगा तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो मिल जाएगा 185000। मैं माइनस कर दूँगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, मेरी फिक्स कॉस्ट थी 110000।
तो माइनस फिक्स कॉस्ट 1,10,000, तो मेरा जो प्रॉफिट आया है वो आया है 1,85,000 माइनस 1,10,000, 75,000। तो इस तरीके से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बन गया। तो हमको सबसे पहले पूछा था कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स वो निकाल दिया, और इस प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हो गया वो भी हमने निकाल दिया। तो आपको ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स में पूछा गया था एग्ज़ाम की 2017 की, तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना है। मूविंग फर्दर, 2019 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ दीप लिमिटेड, प्रोडक्ट ए बी एंड ए सी, सेलिंग प्राइस आपका 3,000, 2,000, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 800, 600, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 600, 400, वेरिएबल ओवरहेड है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो भाई जो डायरेक्ट लेबर है उसका 150% हम लोग कर देते हैं, 600 का 150% होता है 900 और 400 का 150% होता है 600। तो हमको सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गई, सेलिंग प्राइस भी मिल गई। अब हमें बोला है फिक्स ओवरहेड जो है वो कंपनी के है 1,80,000, ठीक है कोई बात नहीं। सजेस्टेड सेल्स मिक्सचर्स आर एज फॉलोस, तो भाई आपको चार अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जहाँ पे आप ए बी और ए सी के कॉम्बिनेशन बना के दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे ए बोला है 500 ऑफ बी, 500 ऑफ ए सी, ठीक है। तो 500 यूनिट बनाओ ए बी के, 500 यूनिट बनाओ ए सी के। दूसरा 1000 यूनिट बनाओ ए सी, सिर्फ ए सी बनाओ। तीसरा बोला 800 यूनिट ऑफ ए बी, 200 यूनिट ऑफ ए सी। और डी बोला है 400 यूनिट ऑफ ए बी एंड 600 ऑफ ए सी। आपको चार अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। आपको क्या बोला है, पूछा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ और मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, तो वो निकाल लेंगे। दूसरा पूछा है कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द अबव मिक्सचर्स। तो ये ऊपर के आपको जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो निकालना है। और तीसरा रेकमेंड करो कि आपको कौन सा सेल्स मिक्सचर लेना है, मतलब सिंपल कि चारों सेल्स मिक्सचर में आपका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो आपको सेल्स मिक्सचर दे रहा होगा वो आपको अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमारी जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो सबसे पहले ए बी और यहाँ पे ए सी। आपका सेल्स प्राइस है 3,000 एंड 2,000, लिख देते हैं 3,000 2,000। आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पे 800 600 और 900, टोटल कितना होता है 800 प्लस 600 प्लस 900, 2,300 यहाँ पे हुआ, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 700। सेम वे आपका एसी के लिए 600 प्लस 400 प्लस 600, तो टोटल मेरा कॉस्ट हुआ वेरिएबल वाला 1,600 और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 400। तो आपको जो दो क्वेश्चन पूछे थे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो भाई फर्स्ट आंसर जो है मेरा है मार्जिनल कॉस्ट है 2,300 एंड 1,600 और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 700 एंड 400 पर यूनिट। तो पहला आंसर ये वाला, दूसरा आंसर ये वाला। अब मुझे अलग अलग मिक्सचर दे रखे हैं, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इनको मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेल्स मिक्सचर को, तो मुझे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमारा है ए, जिसमें हम लोग ए बी और ए सी और टोटल इस तरीके से लेंगे। हम लोग क्वांटिटी जो है ए बी की बना रहे हैं 500 और ए सी की बना रहे हैं 500, मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 700 और यहाँ पे है हमारा 400, तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 700, 3,50,000, और यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 400, 2 लैक्स, टोटल हो जाएगा 5,50,000। और माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे जो हमको दे रखी है 1,10,000, तो मेरा जो प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है 550 माइनस 110, 4,40,000। तो कॉम्बिनेशन वन का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 550, प्रॉफिट 450। कॉम्बिनेशन टू की बात करते हैं, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ एसी बनाना है। तो भाई एसी बनाएंगे हम लोग, क्वांटिटी होगी हमारी 1000 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 400, तो आपका जो है
कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 4 लेख, माइनस आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो ले 1,20,000, तो आपका आ जाएगा 2,90,000 का प्रॉफिट। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन का 4 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, 290 का प्रॉफिट। थर्ड जो आपका कॉम्बिनेशन है सी, वो लिख देते हैं 800 ऑफ ए बी एंड 200 ऑफ ए सी। तो ए बी, ए सी एंड टोटल, ए बी मुझे बनाना है 800, ए सी बनाना है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 700 और 400 से, तो 700 इंटू 800, 5,60,000। और यहाँ पे 200 इंटू 400, 80,000। टोटल हुआ 560 प्लस 80,000, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 6,40,000। और माइनस फिक्स कॉस्ट कर दोगे 1,10,000 की, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आएगा 5,30,000। तो यहाँ पे थर्ड कॉम्बिनेशन का भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट मिल गया। लास्ट कॉम्बिनेशन जो है हमारा डी, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे 400 ऑफ ए बी, 600 ऑफ ए सी बोला है, तो ए बी, ए सी एंड टोटल, ये बना रहा हूँ मैं 400, ये बना रहा हूँ 600, मल्टीप्लाइड बाय 700 क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 2,80,000, ये आएगा 2,40,000, टोटल आएगा 280 प्लस 240, 5,20,000, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 1,10,000, तो हमारा आंसर आएगा 4,10,000। ठीक है, तो हमारे चारों चार कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट भी आ गया और हमारा कंट्रीब्यूशन भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चारों में से कौन सा बेटर है, तो देखो मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट जो मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कॉम्बिनेशन 3 से, जहाँ पे 5,30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमको कौन सा सेल्स मिक्सचर अडॉप्ट करना चाहिए, थर्ड वाला जो है हमको अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ पे मैं 800 ऑफ ए बी बना रहा हूँ, 200 ऑफ ए सी बना रहा हूँ, राइट। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन हम कर रहे हैं, 2015 के एग्जाम में आपको पूछा गया है 15 मार्क्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोबेबल चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ राम लिमिटेड, मॉडल टीबी, मॉडल जीबी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6,000, 4,000, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 1,500, 1,000, आपका डायरेक्ट लेबर है 1,200 और 800। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, बट साथ ही साथ आपको वेरिएबल ओवरहेड जो बोला है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 1200 का 150% होता है 1800 और 800 का 150% होता है 1200। ठीक है, तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मिल गया। अब आपको बोल रखा है आगे फिक्स ओवरहेड जो है आपके 9 लाख रुपए के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। द डायरेक्टर विश टू अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्सेस इन द बजट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो आपको तीन कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, 500 TB, 500 GB, 800 TB, 200 GB, 300 TB एंड 700 GB। ठीक है, तो तीन कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, सिमिलर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। आपको सबसे पहले निकालना है आपका प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेम आपको पिछले एग्जाम्पल की तरह आपको कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है, निकाल लेंगे हम। फिर बोला है ऑल्सो स्टेट विच ऑफ द अल्टरनेटिव सेल्स मिक्सेस यू वुड रेकमेंड टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप कौन सा मैनेजमेंट को रेकमेंड करोगे, जहाँ पे आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है वो आप सजेस्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है, तो हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे हमारा। टीबी, जीबी, सेल्स 6,000, 4,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, फिर है डायरेक्ट लेबर और फिर है ओवरहेड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है 1,500, ये है 1,000, डायरेक्ट लेबर है 1,200 एंड 800, और वेरिएबल ओवरहेड का मुझे बोला था कि डायरेक्ट वेजेस का 150% करना है, तो 1200 का 150% 1,800 और 800 का 150% 1,200 होता है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन निकला 6,000 माइनस ये तीनों, 6,000 माइनस 1,500 माइनस 1,200 माइनस 1,800, तो मेरा आंसर आया 1,500।
दूसरे का आया 4000 माइनस 1000 माइनस 800 माइनस 1200 1000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया और मेरा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है अगर मुझे, तो कैसे निकाल पाऊंगा इन तीनों का टोटल। तो इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, इन तीनों का टोटल इधर हो रहा है 4500 और इधर हो रहा है मेरा 3000। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका मार्जिनल कॉस्ट 4500 फॉर टीबी एंड 3000 फॉर जीबी एंड कंट्रीब्यूशन 1500 फॉर टीबी 1000 फॉर जीबी। ठीक है, अब आपको तीन कॉम्बिनेशन जो दे रखे हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो भाई तीनों कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए जिसमें आपको टीबी और जीबी और टोटल इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको, आपको टीबी कितना बनाना है 500, आपको जीबी कितना बनाना है 500। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, टीबी का कंट्रीब्यूशन आया 1500, जीबी का कंट्रीब्यूशन आया 1000, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय 1500, 1500 इंटू 500 करेंगे तो आएगा 750000, और यहाँ पे 500 इंटू 1000 करेंगे तो हमारा आएगा 5 लैक्स, टोटल हो जाएगा 1250000। माइनस हम फिक्स कॉस्ट कर देंगे, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 9 लैक्स, तो मेरा जो प्रॉफिट आया है फॉर कॉम्बिनेशन वन 3,50,000। इसी तरीके से बी करूँगा, बी में मेरा टीबी का क्वांटिटी कितना है 800 और यहाँ पे है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, तो ये ऊपर के हेडिंग के कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ मैं, 1500 इंटू 800 करूँगा, 1500 इंटू 800 12 लैक्स और 200 इंटू 1000 2 लैक्स, टोटल हो जाएगा 14 लैक्स, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे 9 लैक्स की तो मेरा प्रॉफिट जो आएगा आएगा 5 लैक्स। तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, टीबी एंड जीबी और टोटल, क्या कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, 300 बनाऊंगा टीबी के, 700 बनाऊंगा जीबी के, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है 1500, यहाँ पे है 1000, 1500 इंटू 3 4,50,000, 1000 इंटू 700 7 लैक्स, 7 लैक्स प्लस 450 आपका आ जाएगा 11,50,000, माइनस आपकी फिक्स कॉस्ट करोगे 9 लैक्स का तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 2,50,000। तो यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन का हमारा प्रॉफिट 350, 5 लैक एंड 250 आया है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट जो मुझे मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है मुझे मिल रहा है बी से, तो हम रेकमेंड करते हैं कि हमको जो बी कॉम्बिनेशन है वो बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमको 5 लैक का प्रॉफिट मिल रहा है या फिर 14 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेंदी था, बट ये वीडियो आपने अगर देखा है तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको शॉर्ट 100% मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे।